हेलो मॉमीज, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। ये है टॉय रिव्यू वीडियो। मैंने रिसेंटली इवान के लिए ऑनलाइन शॉपिंग की टॉयज की, और इनफैक्ट लर्निंग टॉयज की शॉपिंग की है, तो मुझे लगा क्यों ना आपके साथ ही लर्निंग टॉयज शेयर करूं। अभी तो फिलहाल पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने ये शॉपिंग 20 दिन पहले की थी। उस टाइम सब नॉर्मल सिचुएशन थी, अब तो फिलहाल कुछ डिलीवरी हो ही नहीं रही है ऑनलाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और मैं अपने जो भी टॉयज मैंने मंगाए हैं इवान के लिए वो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये गीगल्स की मैंने मंगाई है, वीबली वॉबली ट्रेन। अब इसका नाम वीबली वॉबली क्यों है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेन में क्या था है। ये है एक ट्रेन जो मैंने इवान के लिए रिसेंटली इंट्रोड्यूस की है। फन स्कूल या गीगल्स दोनों सेम ही ब्रांड है, तो उसी की ये ट्रेन है। अब ये वीबली वॉबली ट्रेन इसलिए है क्योंकि ये जो इसके ये कैरेजेस वगैरह हैं और ये व्हील्स वगैरह हैं, ये अपने आप डिटैच हो जाते हैं। इनको लिंक और डी लिंक हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये मैंने निकाल दिया, और ये व्हील्स जो है ये भी यहाँ से निकल सकता है। तो बच्चा जो है ये कंस्ट्रक्टिव चीज है, इसको लगाना सीखता है और उसकी थिंकिंग थोड़ी डेवलप होती है कि हाँ ये हट भी सकता है। और उसके बाद ये दो तरीके से काम करती है ये वाली ट्रेन। एक तो ये पुल अलोंग टॉय है, बच्चा ये जो रोप इसके साथ दी हुई है इसको लेके घूम सकता है। तो ये एज अ पुल अलोंग टॉय भी काम करती है और एज अ पजल भी काम करती है, क्योंकि ये हम लिंक और डी लिंक कर सकते हैं। तो इवान को तो ये बहुत पसंद आ रही है, उसे बहुत अच्छी लगी है ट्रेन, और काफी इसके साथ खेलता भी है। अब मैं प्राइस आपको बता देती हूँ। इसका प्राइस है 349 रुपीज, और काफी अच्छे प्राइस में दो दो पर्पस जो है ट्रेन सॉल्व कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है वो है ये बेबी हग का चेन लिंक। अब इसमें क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं इसका प्राइस बता देती हूँ। इसका प्राइस है 195 रुपीज, और इसमें 12 पीसेस है। ये बेबी हग ब्रांड का है, और इसमें अलग अलग तरीके के ये लिंक जो आपको दिख रहे होंगे ये चीजें हैं इसके अंदर। तो इससे क्या है, बच्चा जो है अलग अलग टाइप की चेन्स बना सकता है, जैसे कि मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। अब ये यहाँ पे है, आप इससे अलग अलग डिजाइंस बना सकते हैं। बच्चे की हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन इससे डेवलप होती है, वो लगाना सीखता है। इससे अलग अलग डिजाइन वो बना सकता है, उसकी कंस्ट्रक्टिव स्किल जो है वो बहुत ज्यादा इनहेंस होती है। और ये अलग अलग तरीके का कोई भी डिजाइन, जैसे मैंने ये बनाया है, इसको आप ऐसे मोल्ड कर देंगे तो ये चेन बन जाएगा। इस तरीके से 12 पीसेस अलग अलग कलर्स के आए थे। इससे बच्चा शेप्स जानता है, अलग अलग कलर्स डिस्टिंग्विश करता है। तो ये वाला टॉय भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इवान इससे अभी थोड़ा कम खेलता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में वो जरूर इससे खेलेगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लर्निंग टॉय की, वो है ये नट एंड बोल्ट का सेट। ये गीगल्स का है, और इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। इसका प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है 249 रुपीज। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है। बहुत ही अमेजिंग टॉय है बच्चे के लिए, और इसमें अलग अलग तरीके के, जैसे कि आपको दिख रहे हैं ये शेप्स हैं, और ये नट बोल्ट हैं। जैसे ये एक नट बोल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये नट बोल्ट जो है इस तरीके से बच्चा इसको रोटेट करना सीखता है अलग अलग शेप्स के साथ। जैसे मैं आप ये ले लेती हूँ, तो ये अलग इसमें हेक्सागन शेप भी है, रेक्टेंगल शेप भी है। तो बच्चा सबसे पहले तो शेप्स आप यहाँ से सिखा सकते हैं, बच्चे को कलर्स सिखा सकते हैं, और ये रोटेशन का जो सिस्टम है कि हमने नट बोल्ट में लगा दिया, ये रोटेशन सिखा सकते हैं बच्चे को। उसकी हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है, फास्टर थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग के वो किस तरीके से रोटेट कर रहा है ये सब डेवलप होता है। तो ये टॉय मुझे काफी काफी पसंद आया, और इवान इसको काफी पसंद भी कर रहा है और खेल भी रहा है। अभी मैंने उसको सारे नहीं दिए, 3-4 पीसेस ही निकाल के दिए हैं, लेकिन वो काफी खेल रहा है इस सेट से भी। उसके बाद नेक्स्ट टॉय जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है इवान के लिए वो है ये शेप सॉर्टर बॉल। ये तो मेरा फेवरेट टॉय है, और इवान का भी, इनफैक्ट मैं भी खेलती रहती हूँ इससे। तो इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ, इसका प्राइस है 239 रुपीज, और इसमें है रत्नास जो है उस ब्रांड का है ये। और इसमें है क्या मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें है ये एक बॉल, कलरफुल प्लास्टिक बॉल, बहुत ही सुंदर, अलग अलग कलर्स जो है इसमें बिल्कुल हाईलाइट हो रहे हैं, तो एकदम से ही अट्रैक्टिव लगती है देखने में ही। और ये आराम से डिटैच हो जाती है, जैसे ये मैंने यहाँ से मैं इसको हटा सकती हूँ, और अपने आप ये 6 जो पीसेज हैं इनको जोड़ के बना भी सकते हैं। और इसमें है क्या, इसमें अंदर अलग अलग शेप्स हैं, जैसे ये हार्ट की शेप है, और ये यहाँ पे सर्कल टाइप शेप है, ये भी सर्कल है, ये रेक्टेंगल है। और बच्चे को करना क्या होता है, अलग अलग शेप्स जो हैं इसके थ्रू डालनी होती है। जैसे ये हार्ट वाली शेप है, तो ये यहाँ से अंदर चला जाएगा ऐसे करके, और इस तरीके से आप पूरी बंद करके बॉल बच्चे को दे दीजिए, और बच्चा जो है इसमें शेप डालेगा तो उसे पता चलेगा कि किस शेप से क्या डालना है। इससे कि भी बच्चे की क्रिएटिवनेस सामने आती है, लॉजिकल थिंकिंग उसकी डेवलप होती है, सोचता है वो खुद, कंस्ट्रक्टिव बनता है कि किस तरीके से कौन सी शेप कहाँ डालनी है, तो अपने आप उसका माइंड डेवलप होता है।
तो ये सारे टॉयज जो है मैंने फिलहाल इवान के लिए इंट्रोड्यूस किए हैं रिसेंटली ही, और काफी उसको पसंद आ रहे हैं, वो खेल भी रहा है, प्राइजेस भी सबका रीजनेबल है। तो आई होप ये टॉयज आपको पसंद आए होंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपको सबसे अच्छा टॉय कौन सा लगा, और अगर आपने ट्राई किए हैं अपने बच्चे के लिए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम।